श्री राधे रानी वार्षिक ब्रज यात्रा 2017 आज 35वां पड़ाव सोमवार और तृतीया तिथि में यहाँ केदारनाथ धाम में हम लोग बैठे हुए हैं। इन सभी धामों को भगवान ने ब्रजवास प्रदान किया। ब्रजवासियों को ब्रज में ही समस्त तीर्थ धामों का दर्शन कराया और ब्रज यात्रा के क्रम में
उन सभी का दर्शन करने का सौभाग्य सभी को प्राप्त हुआ है। यहाँ जो हम लोग बैठे हुए हैं, केदार क्षेत्र ये कहलाता है। भगवान की नरावतार की लीलाओं का दर्शन करने के लिए ब्रज में अनेक बार जगह जगह शंकर जी का पदार्पण हुआ है। लाल जी की जन्म लीला पर ही शंकर जी आए हैं, नंदोत्सव में शंकर जी आए हैं, गर्ग संहिता में वर्णन मिलता है। फिर पुनः दर्शन के लिए बालकृष्ण का चिंता हरण पर आए हैं। सक्ष रस की लीलाओं में गोप जाते प्रतिच्छन्नो देवा गोपाल रूपिणः, ग्वाल बालों का रूप धारण करके शंकर जी आते हैं और गोप लीला में भी सम्मिलित होते हैं। श्रृंगार रस की लीला में मानसरोवर में आए हैं और वहाँ शंकर जी ने गोपी भाव गोपी रूप की प्राप्ति करके महारास लीला में भी प्रवेश प्राप्त किया है। तो अबाध रूप से ब्रज लीला में शंकर जी का आगमन होता ही रहा है। और यहाँ ये जो क्षेत्र है इसकी महिमा इसलिए बढ़ी क्योंकि यहाँ शंकर जी ने पार्वती जी को श्री राधा रानी की उपासना के विषय में अवगत कराया, श्री जी की महिमा प्रकट की और भगवती के द्वारा राधा रानी की उपासना शंकर जी ने कराई है। ये क्षेत्र रुद्रवन के नाम से प्रसिद्ध है और रुद्रवन को हम लोग प्रणाम कर लें, उसके बाद यहाँ की जो लीला है उसको सुनेंगे। शंकर जी जहाँ निरंतर श्री राधा माधव की उपासना के लिए यहाँ विराज रहे हैं और उनकी तपोभूमि होने से ये क्षेत्र रुद्रवन के नाम से संज्ञित हुआ, तो इस पावन स्थल को हम लोग प्रणाम करेंगे। तपः समाधि सम्भूत तपः समाधि सम्भूत रुद्र सिद्धि प्रदायिने रुद्र सिद्धि प्रदायिने नमो रुद्रवनाक्षाय परिपूर्ण कलात्मने शंकर जी की तपस्या और समाधि से ये स्थल रुद्रवन के रूप में उत्पन्न हुआ है और भगवान रुद्र को शंकर जी को भी यहाँ तपस्या करने से सिद्धि की प्राप्ति हुई और वो सिद्धियाँ योगियों की सिद्धियाँ नहीं, योगियों को भी जो अप्राप्य रह गई भगवत लीला के सुख की लीला रस की सिद्धि वो शंकर जी को इस भूमि में आराधना करने से प्राप्त हुई।
इसलिए संपूर्ण कलाओं के परिपूर्ण रूप ऐसे इस रुद्रवन को हम लोग प्रणाम करते हैं। केदार नाथ, केदार क्षेत्र नाम होने का जो कारण ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्वयं भगवान नारायण ने नारद जी को बताया है, सतयुग में बड़े धर्मात्मा राजा हुए जिनका नाम था केदार, और इनके विषय में ऐसा लिखा है पराक्रमी होने के साथ साथ इतने भक्त राजा थे कि सभी प्रकार के यज्ञों को 100-100 बार विधि पूर्वक और बिना किसी कामना वासना के इन्होंने कृष्ण भक्ति के लक्ष्य से पूर्ण किया था। साधना तो बहुत होती है, लेकिन सशक्त साधना वही है जिस साधना में किसी प्रकार की कोई लौकिक भौतिक कामनाएं न हो, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ न हो, ऐसी आराधना ठाकुर जी को बहुत जल्दी प्रसन्न करती है। जैसे तृतीय स्कंद में ब्रह्मा जी ने कहा है, पुंसा मतो विविध कर्म भिरद्वराद्यै दानेन चोग्र तपसा व्रत चर्या च आराधनम भगवतस्तव सत्क्रियार्थम। कितने प्रकार की साधनाएं हैं, कितने प्रकार के साधन हैं, दान है, तपस्या है, व्रत है, योग है, समाधि है, लेकिन इन सभी साधनाओं का फल यदि ठाकुर जी को प्रसन्न करना नहीं है तो ये सब साधन बेकार हैं। और छोटी से छोटा सामान्य से सामान्य कर्म है, उस कर्म का लक्ष्य अगर भगवत प्रियता है, भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान को रिझाना है, तो छोटे से छोटा कर्म और भगवत साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति की स्थिति तक पहुंचा देगा। और बड़ी से बड़ी साधना यदि श्री ठाकुर जी के इतर कोई इच्छा लेकर की गई तो वो सब साधन केवल श्रमवत मेहनत की भांति रह जाएगा। इसलिए चलना फिरना बोलना खाना पीना जैसी सामान्य से सामान्य क्रिया भी हम लोग चाहें तो भक्ति योग बना सकते हैं, बस उन क्रियाओं का लक्ष्य श्री ठाकुर जी को प्रसन्न करना हो, अपना कोई स्वार्थ ना हो, कोई कामना ना हो, भगवत प्रियता उन कर्म का उन क्रियाओं का लक्ष्य होना चाहिए। जैसे मीरा जी का भाव है, जहाँ जहाँ चरण धरूं धरती पे मैं तहाँ तहाँ ही नाचो करूँ, मैं तो कृष्ण कन्हैया गायो करूँ। तो चलना भी सामान्य चलना भी नृत्य बन जाएगा, हाथ से होने वाला सामान्य कार्य व्यवहार भी भगवत सेवा बन जाएगा। इन नेत्रों से सामान्य रूप से देखना या जीव से खाना पीना, ये सब बहुत सामान्य क्रियाएं हैं, ये सभी इंद्रिय जनित कर्म भगवत प्राप्ति का माध्यम और भगवत आराधन बन सकते हैं अगर इन क्रियाओं का इन कर्मों का लक्ष्य भगवान हो जाए, भगवान की प्रसन्नता हो जाए। अब करने को तो राजा निमि ने क्या कम गौदान किया था, भागवत जी में वर्णन मिलता है, इतना गौदान किया था कि पृथ्वी के धूल कण गिन ले, आकाश के तारे कोई गिन ले, पर राजा ने जितना दान गौदान किया उनको कोई गिन नहीं सकता। लेकिन फिर भी एक छोटे से अपराध ने और तामिश्र योनि में डाल दिया, गिरगिट बन के पड़े रहे, हजारों वर्ष कष्ट भोगते रहे। उसका कारण था, दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक सकाम कर्म और एक निष्काम कर्म। सकाम कर्म की भगवान ने बड़ी निंदा की है, गीता जी में कहा दूरेण यवरम कर्म, दूर से ही अवर इन नीच कर्मों को छोड़ो। जो कर्म प्रतिफल चाहता है, जो कर्म फलाकांक्षा से युक्त है, वो कर्म अवर कर्म है, वो निम्न कर्म है। और छोटे से छोटा सामान्य से सामान्य कार्य भी हो, यदि वो फलाकांक्षा से रहित है तो वो सर्वोत्तम कर्म है, वो सबसे श्रेष्ठ कर्म है। तो कहाँ अगणित गोदान और कहाँ एक छोटा सा अपराध गिरगिट योनि में ले गया। उसका कारण था कि अगणित गोदान तो राजा ने किया, लेकिन उस कर्म का प्रतिफल राजा के मन में उसकी इच्छा थी, प्रतिफल चाहने की, सदगति हो या अच्छे लोगों का सुख प्राप्त हो। जबकि भक्त को यह भी सोचने का अधिकार कहाँ है, स्वर्ग नरक अपवर्ग
स्वर्ग है नरक है, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ धरे धनु अरुबाना। स्वर्ग है नरक है मोक्ष है, भक्त के लिए भगवत सेवा प्रधान चीज है। और भगवत सेवा के पीछे भगवान दें सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्यकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। भगवान के देने पर भी वो स्वीकार नहीं करता, भगवान के पास भी नहीं रहना चाहता, भगवान के लोक में रहना नहीं चाहता, उनके जैसा वैभव नहीं चाहता, उनके जैसा स्वरूप नहीं चाहता है, यहाँ तक कि सायुज्य भगवान में समावेश भी नहीं चाहता है। केवल मत सेवनम, उनके जनों की सेवा का सौभाग्य मिलता रहे, और कोई दूसरी इच्छा नहीं मन में होनी चाहिए। तो राजा केदार ने जो साधना की थी वो ऐसी साधना थी कि उस साधना का लक्ष्य केवल भगवान को रिझाना था, भगवान को प्रसन्न करना था। और बहुत लंबे समय तक राजा ने ये आराधना की है। इंद्रपद आदि भी सब से वैराग्य राजा को हो गया, और जिस क्षेत्र में राजा केदार ने ये आराधना की वो क्षेत्र ही केदार क्षेत्र के नाम से ख्यात हुआ। और बड़ा उत्कट वो उनका आराधन था, बड़ी उत्कट साधना थी। उसके बाद बहुत समय तक आराधना करने के बाद राजा केदार को नित्य धाम की गोलोक की प्राप्ति भगवत कृपा से हुई, और उसी केदार क्षेत्र को भगवान ने यहाँ ब्रजभूमि में जब सभी तीर्थों को निवास दिया तो वह केदार क्षेत्र भी यहाँ इस स्थान पर जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं श्री कामवन धाम के निकट भगवान ने केदार क्षेत्र को भी यहाँ निवास दिया। और शंकर जी ने भी यहाँ आराधना की है, श्री ठाकुर जी श्री जी की युगल सरकार की, और स्वयं ही नहीं भगवती के द्वारा भी श्री जी की आराधना कराई है, इसलिए केदारनाथ नाम से ये क्षेत्र ख्यात हुआ। श्री वृंदावने काननेशु तदंतर्गतेषु काम्यक वनादिषु तत्र तयोर विहारो वेश विशेषश्चोक्तः। जीव गोस्वामी जी ने लिखा है ये जो क्षेत्र है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, ये संपूर्ण क्षेत्र आदि वृंदावन के नाम से जाना जाता है। कामवन, केदारनाथ और यहाँ का निकटवर्ती जो क्षेत्र है ये सब आदि वृंदावन के नाम से जाना जाता है। और तयोर विहारो, यहाँ श्री राधा माधव का विहार हुआ है। कल संभवतः आप लोग जब कामा यात्रा प्रस्थान करेगी तो भोजन थाली आदि उन लीला स्थलियों का दर्शन करेंगे जहाँ युगल सरकार ने विहार किया है, और विवाह के बाद प्रथम बार भोजन युगल सरकार ने भोजन थाली पर ही किया है। ग्वाल वालों के साथ तो भोजन हुआ ही है, विवाह के बाद जो भोजन की एक परंपरा है, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को भोजन कराते हैं, तो ये जो परंपरा है इसका निर्वाह भोजन थाली पर ही हुआ। तो ये केवल लाल जी का नहीं बल्कि श्री राधा रानी का तयोर विहारो दोनों का ही ये विहार क्षेत्र है, क्योंकि आदि वृंदावन के नाम से इसको संगीत किया गया है। बाकी कैलाशनाथ भगवान शंकर तो यहाँ निवास कर ही रहे हैं, पर ये ध्यान दें कि यहाँ शंकर जी इष्ट के रूप में नहीं, यहाँ शंकर जी उपासक के रूप में निवास किए हैं। ब्रज में कहीं भी शंकर जी इष्ट के रूप में नहीं बैठे हैं, सर्वत्र अपने इष्ट की आराधना करने के लिए बैठे हैं। जैसे कल हम लोग बद्रीनाथ धाम में थे तो बद्रीनाथ धाम में लक्ष्मी नारायण भगवान इष्ट के रूप में नहीं है, राधा माधव की उपासना के लिए वहाँ बैठे हैं, और उन्होंने राधा माधव की सेवा के लिए देव सरोवर बनाया है, रोहिताचल पर्वत कनकाचल पर्वत को सजाया है जो आप लोगों ने दर्शन किया। तो इन सब धामों में अब उत्तराखंड की यात्रा पर आप जाएंगे तो वहाँ केदारनाथ आदि बद्री धाम में वहाँ के इष्ट हैं लक्ष्मी नारायण भगवान, केदारनाथ धाम में जाएंगे तो वहाँ इष्ट हैं शंकर जी, लेकिन ब्रज भूमि में लक्ष्मी नारायण भगवान इष्ट के रूप में नहीं सेवक के रूप में बैठे हैं। इसी तरह यहाँ शंकर जी राधा माधव के सेवक के रूप में बैठे हैं, उनकी सेवा के लिए उनकी आराधना के लिए। तो ये दोनों जगह का अंतर है, वहाँ धाम में चले जाओ तो वहाँ इष्ट रूप में है और ब्रज भूमि में
ये सभी लोग श्री युगल सरकार के उपासक के रूप में विराजते हैं। ये दोनों स्थानों का अंतर है। तो यहाँ की जो केदारनाथ जी पर्वत पर विराज रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो पर्वत की जो शिलाएं हैं वो बड़ी श्वेत रंग की और बड़ी उज्जवल रंग की दिखाई पड़ेंगी दिन में देखेंगे तो, क्योंकि जैसा कैलाश का स्वरूप है वही का वही निवास यहाँ शंकर जी को स्थान सहित भगवान ने दिया है। तो वही का वही स्वरूप जैसे कैलाश की स्निग्ध श्वेत शिलाओं के रूप में दिखाई पड़ेगा। और शंकर जी के द्वारा जो यहाँ श्री पार्वती जी को जो राधा महिमा बताई गई है वो यहाँ की विशेष कथा है, और इसका श्रवण करने से निश्चित ही शंकर जी प्रसन्न होते हैं। शंकर जी को जितनी राधा रानी की महिमा सुनाओ शंकर जी उतने प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शंकर जी की आराध्या है राधा रानी। और ये जो युगल मंत्र है हम लोग बोलते हैं सभी लोग, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ये युगल मंत्र पद्म पुराण में लिखा है, स्वयं भगवान ने ही शंकर जी को दिया है। और शंकर जी ने यही युगल महामंत्र श्री भगवती को दिया है, और भगवती पार्वती ने इसी युगल महामंत्र के द्वारा श्री राधा रानी की उपासना की है। तो राधा रानी की महिमा सुन के और श्री जी की लीला कथा सुन के शंकर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, और स्वयं श्री जी की महिमा को उन्होंने जो गाया है जिसको हम लोग सुनेंगे, पर्वत पार्वती जी को उन्होंने सुनाया है गर्ग संगीता के अनुसार और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार, दोनों में यहाँ की लीला कथा की चर्चा है। जिस समय एक बार श्री ठाकुर जी नित्य गोलोक में विराजे हुए थे तो एकाएक श्री ठाकुर जी की इच्छा से उनके वाम भाग से शंकर जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो शंकर जी जब प्रकट हुए तो वहाँ शंकर जी ने अपने मूल अंशी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। ये स्तोत्र इसका पाठ यहाँ करने से विशेष फल होता है। जय स्वरूपम जयदम जयेशम जय कारणम प्रवरम जयदानाम च वंदे तम पराजितम विश्वम विश्वेश्वरेशम च विश्वेशम विश्वकारणम विश्वाधारम च विश्वस्तम विश्वकारण कारणम फल बीजम फलाधारम फलम च तत्फलप्रदम तेजः स्वरूपम तेजोदम सर्व तेजस्विनाम परम। ये बहुत सुंदर स्तोत्र का शंकर जी ने पाठ किया और श्री ठाकुर जी की उन्होंने इसके द्वारा उनका स्तवन किया है। श्री भगवान को सभी कारणों का परम कारण, सबका एकमात्र फल, सबका एकमात्र परम तेज रूप कहकर संबोधित किया है, और बहुत सुंदर स्तोत्र है। और उस स्तोत्र को जब करते करते शंकर जी रुदन कर रहे थे, प्रेमाश्रु बह रहे थे, तो श्री ठाकुर जी ने उसी समय उनके वाम भाग से ब्रह्मा जी का और महाविष्णु का प्रादुर्भाव भी हुआ। सबके मूल अंशी तो श्री कृष्ण ही हैं। भागवत जी की घोषणा है, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण ही हैं, बाकी जितने अवतार हैं ये सब अवतार उनके अंश से अंशांश से कलाओं से होते रहते हैं, बाकी मूल जो अंशी हैं वो श्री कृष्ण ही हैं, और श्री कृष्ण से ही सभी अवतारों हुए हैं। इस बात का प्रमाण है ब्रह्म वैवर्त, जहाँ स्पष्ट रूप में लिखा है वाम भाग से शंकर जी हुए हैं, ब्रह्मा जी हुए हैं, महाविष्णु भी श्री कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं। श्री ठाकुर जी की मति से दुर्गा जी का प्रादुर्भाव हुआ है, मन से रमा जी प्रकट हुई हैं, और बहुत सी शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है। फिर श्री ठाकुर जी ने पात्रता के अनुसार सबको शक्तियां प्रदान की। ब्रह्मा जी को सावित्री, धर्मराज को मूर्ति देवी, कामदेव को रति, और शंकर जी को दुर्गति नाशिनी दुर्गा प्रदान की। तो बाकी सब देवताओं ने तो शक्तियों को स्वीकार कर लिया, पर शंकर जी थोड़ा कतरा रहे थे। शंकर जी ने कहा, हे नाथ, किस प्रपंच में आप हमें फंसा रहे हैं,
ऐसे ही रह के आपका भजन करते रहें, बस ऐसी कृपा करो। तब श्री ठाकुर जी ने शंकर जी को समझाया, हे शंभु, आप परम वैष्णव है, वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में सबसे अग्रगण्य है शंकर जी का स्थान, और भगवती दुर्गा जो है ये परम वैष्णवी हैं। जैसे एक बालक का पोषण माँ करती है, वैसी जो स्त्री विषय भोगों के संस्कार से ऊपर उठ जाए, वो सती स्त्री अपने पति के लिए माँ की तरह उसका पोषण करती है। इसलिए व्यभिचारिणी स्त्री की बात अलग है, बाकी जो स्त्री वैष्णवी हो, जो भक्ति रूपिणी हो, शक्ति रूपिणी हो, ऐसी स्त्री का तिरस्कार करने से तुम कभी हमारा भजन नहीं कर पाओगे। और वहाँ भगवान ने स्वयं कहा, मैं भी सृष्टि बना पा रहा हूँ तो वो भी शक्ति की शक्ति से ही बना पा रहा हूँ। शक्तिमान में शक्ति ना हो तो वो शक्तिमान की क्या महिमा रहेगी? शक्तिमान शक्ति से ही तो होता है, शक्ति निकल गई तो कैसे वो शक्तिमान रहेगा? तो बिना शक्ति के तो सृष्टि भी नहीं चल सकती है। इसलिए आप वैष्णवी नारी का अनादर मत करना, ये भगवती आपको आपके भजन में सहयोग करेंगी, और इनके द्वारा ही जब त्रैमासिक व्रत का पारण होगा तो मैं स्वयं इनके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, इसलिए इनका तिरस्कार करने से आप मेरी प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। तब शंकर जी को ठाकुर जी ने समझाया है, और भगवती को भगवान नित्य गोलोक में लेकर चले गए। थोड़े समय तक आप हमारे साथ गोलोक में रहें, बाद में शंकर जी के साथ आपको युगल सरकार की आराधना करनी है। और श्री ठाकुर जी ने शंकर जी को यह भी कह दिया कि 100 करोड़ कल्प तक, एक कल्प ही लगभग 4.5 अरब वर्ष का होता है, तो भगवान ने कहा 100 करोड़ कल्प तक जब तुम मेरी आराधना पूर्वक सेवा करोगे, श्री राधा रानी की सेवा और उनकी आराधना करोगे, तो उनकी सेवा से, उनकी आराधना से ही तुम महामृत्युंजय बनोगे। तो शंकर जी महामृत्युंजय भी श्री जी की आराधना से ही बने हैं, मृत्यु को उन्होंने श्री जी की आराधना से ही जीता है। और उसके बाद शिवा को, भगवती को आप ग्रहण करना, ये परम वैष्णवी हैं, और इनको ग्रहण करके तुम्हारी उपासना द्विगुणित तो हो जाएगी, दुगनी तुम्हारी उपासना तीव्रता के साथ होगी। ऐसा कहके श्री ठाकुर जी भगवती दुर्गा को अपने साथ गोलोक में ले गए। और जब कालांतर में समुचित समय आया, तब भगवान ने पुनः भगवती दुर्गा शंकर जी को सौंप दी, और शंकर जी ने भगवती जी से प्रार्थना की है, हे भगवती, त्रैमासिक व्रत के द्वारा आप युगल सरकार की आराधना करें, इससे मैं बहुत प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि हर स्त्री चाहती है हमारा पति हमसे प्रसन्न रहे। तो पार्वती जी ने भी जानना चाहा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप सदा मेरे ऊपर प्रसन्न रहें, जन्म जन्मांतर तक आप ही मुझे पति के रूप में प्राप्त होते रहें, तो इसके लिए मुझे क्या साधना करनी चाहिए? तो शंकर जी ने कहा, यदि जन्म जन्मांतर तक तुम हमारा साथ चाहती हो, हमें सदैव प्रसन्न चाहती हो, तो तुम युगल सरकार की आराधना करो, श्री राधा माधव सर युगल सरकार की आराधना करो। कैसे आराधना करूं? तो विधिवत उन्होंने वहां त्रैमासिक व्रत भगवती से कराया है, सविधि वह व्रत पार्वती जी ने संपन्न किया, और ये सारा स्थान भगवती के द्वारा श्री जी की आराधना का ही है। कामन धाम में आप दर्शन करेंगे श्री कुंड का, श्री कुंड वो स्थान है जहाँ महाप्रभु जी की बैठक जी भी हैं, जहाँ से श्री जी की उपासना प्रकट हुई है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कामवन में। और वहाँ हम लोग जब पहुँचेंगे तो वहाँ की लीला सुनेंगे कि श्री उपासना कैसे संसार में आई। सबसे पहले श्री उपासना भगवान श्री कृष्ण ने ही की है, सबसे पहली आराधना, और उसके बाद राजा सुयज्ञ हुए हैं, उसके बाद ब्रह्मा जी शंकर जी आदि ने की है, उसके बाद राजा सुयज्ञ ने की है, और फिर रावण आदि ने भी श्री उपासना की है। तो श्री उपासना, श्री जी की उपासना, शक्ति की उपासना कैसे संसार में आई, उसका क्या एक व्यवस्थित क्रम रहा, वो हम लोग सुनेंगे। तो ये जो क्षेत्र है,
ये विशेष रूप से श्री जी की आराधना का क्षेत्र है। यहाँ शंकर जी ने भी राधा रानी की आराधना की है, यहाँ पार्वती जी ने भी राधा रानी की आराधना की है, महाराज सुयज्ञ ने भी राधा रानी की आराधना की है। तो शंकर जी ने पार्वती जी को यहाँ बैठ के त्रैमासिक व्रत के विषय में बताया कि ध्याये तदा राधिकाम च ध्यानम मध्यन दिने ऋतम राधाम रासेश्वरीम रम्याम रासोल्लास रसोत्सुकाम। रास मंडल पर ध्यान बता रहे हैं कैसे श्री जी का ध्यान करना चाहिए। शंकर जी ने बताया है, हे देवी, इसको त्रैमासिक व्रत कहते हैं, 3 महीने की व्रत विधि है। 3 महीने तक व्रत करना, श्री जी की प्रतिदिन आराधना करना। और कौन सी राधा रानी के किस स्वरूप की आराधना करें? बोले जो रासेश्वरी हैं, रास विहारिणी हैं। शंकर जी की सबसे प्रिय लीला रास लीला है। जिस समय नरसिंह जी के पास दर्शन देने शंकर जी गए हैं और वरदान मांगने को कहा है, तो नरसिंह जी ने कहा, हे नाथ, अब हमारे अंदर तो इतनी बुद्धि नहीं, हमें नहीं पता क्या मांगना चाहिए। अब ऐसा ना हो कुछ और मांग लें फिर बाद में पछतावे, ये मांग लेते तो ज़्यादा अच्छा रहते। तो नरसिंह जी ने दक्षता पूर्वक कहा कि आपको जो सबसे प्रिय वस्तु हो आप वो हमें दे दें। तब शंकर जी नरसिंह जी को रास लीला में लेकर गए हैं और बड़ा आश्चर्य हुआ कि बहुत से वरदान मांगने वाले भक्त सामने आए पर ऐसा वरदान किसी ने नहीं मांगा। जिस लीला का आज तक सती जी को, जिस लीला के विषय में शंकर जी ने कुछ नहीं कहा, न दर्शन कराया, और वही लीला का दर्शन शंकर जी ने नरसिंह जी को, नरसिंह अली को कराया है। तो शंकर जी की सबसे प्रिय लीला महाराज लीला है। और पार्वती जी को भी जब राधा रानी के ध्यान के विषय में बताए हैं तो यही कहे हैं, राधाम रासेश्वरीम रम्याम रासोल्लास रसोत्सुकाम। तो रास मंडल पर जो श्री राधा रानी बैठी हुई हैं, उन श्री राधा रानी का ध्यान करना, जो रास के लिए बड़ी उत्सुक हैं, रस की अधिष्ठात्री देवी हैं, रसिका प्रवराम रम्याम रमाम च रमणोत्सुकाम शरद राजीव राजी नाम प्रभा मोचन लोचनम। और इन्हीं रासेश्वरी राधा रानी की कृपा से शंकर जी को भी रासलीला में प्रवेश प्राप्त हुआ था। तो यदि आप भी इस अंतरंग रस को चाहती हैं तो उन्हीं रासेश्वरी राधा रानी की उपासना करें। और उसके बाद पार्वती जी ने त्रैमासिक व्रत को आरंभ किया है। वह व्रत विधि पूर्वक वर्णन उसका किया है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, कैसे वो व्रत करना चाहिए। षोडशोपचार विधि से प्रतिदिन राधा रानी की पूजा की जाए, 108 दिव्य कमल श्री जी को चढ़ाए जाएं और कृष्णाय स्वाहा इस मंत्र के श्वास प्रतिदिन यज्ञाग्नि में आहुति दी जाए। और शंकर जी ने कहा, हे देवी, 108 भक्त ब्राह्मणों को दैनिक रूप से भोजन कराओ और 24 घंटे अहर्निश सतत कृष्ण नाम संकीर्तन करो। और जिस दिन व्रत की उद्यापन हो उस दिन 10,000 कमलों की आहुति देना, 9,000 विप्रों को भोजन कराना, 100 जन्मों तक जो नारी इस व्रत को करती है वो 100 जन्म तक कभी विधवा नहीं होती और अखंड पुत्रवती बनी रहती है। ये व्रत जब आप करेंगी तो जन्म जन्मांतर आप मुझे ही प्राप्त करेंगी। और कोई कुशल पुत्र की इच्छा हो तो त्रैमासिक व्रत के द्वारा श्री जी को जब आप रिझा लेंगी तो ये इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। तब पार्वती जी ने बड़ी सुंदर बात शंकर जी से कही, हे नाथ, आप जो मुझे व्रत विधि बता रहे हैं वो बहुत सुंदर है, पर मैं आपसे एक प्रार्थना अवश्य करना चाहती हूँ। तो शंकर जी ने कहा, कहिए शिवे, आप क्या कहना चाहती हैं? तो भगवती बोली, संसार के जितने उत्कृष्ट से उत्कृष्ट साधन हैं, दान है, यज्ञ है, व्रत है, तपश्चर्या है, ये सब श्री ठाकुर जी के नाम संकीर्तन के 16वें अंश की बराबरी भी नहीं कर सकते हैं, जितने भी साधन हैं। और चूंकि त्रैमासिक व्रत की पूर्ति भी
शंकर जी ने जो व्रत की विधि बताई है उसमें यही कहा कि सतत कृष्ण संकीर्तन जरूर करना, कृष्ण संकीर्तन से श्री राधा रानी प्रसन्न होंगी। तो श्री कृष्ण की आराधना का 16वां अंश भी ये सब साधन नहीं हो सकते हैं। और आपने इस व्रत के माध्यम से मुझे एक आराधना के लिए संकेत दिया है, तो मैं ये आराधना अवश्य करूंगी। और पार्वती जी ने वहाँ आराधना की है और ऐसा लिखा है, इस व्रत के प्रभाव से ही अखंड सौभाग्य पार्वती जी को प्राप्त हुआ। और उसके बाद पुण्यक व्रत भी राधा रानी की आराधना के लक्ष्य से उन्होंने किया है, जिससे गणेश जी और कार्तिकेय जी जैसे उनको पुत्रों की पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई है। और जब पार्वती जी ने ये राधा रानी की आराधना आरंभ की है तो सभी देवता इस आराधना में भाग लेने के लिए, सहयोग देने के लिए आए हैं, उसका भी वर्णन ब्रह्म वैवर्त में मिलता है। सनकादिक मुनि पुरोहित बनकर आए हैं उस व्रत में। वायु देवता ने बुहारी लगाने का कार्य लिया है। लक्ष्मी जी ने धन की व्यवस्था की है। अब साधारण व्रत थोड़ी है, श्री जी की आराधना हो रही है, तो सब देवता आए हैं श्री जी की आराधना में सहयोग करने के लिए। स्वयं परिवेशन का कार्य देवराज इंद्र ने, जितने लोग भोजन करते थे उनको परोसते थे देवराज इंद्र। अग्नि देव ने वेद पाठ किया है। शंकर जी स्वयं दानाध्यक्ष बने हैं और कार्तिकेय जी गणेश जी की प्राप्ति इस व्रतानुष्ठान से पार्वती जी को हुई है। तो जिस समय ये व्रत पार्वती जी ने किया तो श्री जी ठाकुर जी का बड़ा सुंदर एक संवाद मिलता है। एक बार श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर से प्रश्न किया, एक जिज्ञासा की है, नाथ ये शंकर जी के मस्तक पे जटाएं इतनी क्यों हैं? जटाजूट से निरंतर गंगा बहती रहती हैं, सर्पों को और कोई आभूषण नहीं मिले, सर्पों को ही क्यों धारण करते हैं? और आग दतूरा कोई खाने की चीज है, आग दतूरा क्यों आरोगते हैं, विष पान क्यों करते हैं? ऐसी बहुत सी जिज्ञासाएं श्री राधा रानी ने की। तब शंकर जी ने, ऐसा क्यों शंकर जी करते हैं, श्री ठाकुर जी ने उत्तर दिया, हे स्वामिनी जू, जिस समय 60,000 युगों तक, एक बार शंकर जी ने हमारी और आपकी आराधना की 60,000 युगों तक, तो इतने दीर्घ काल तक आराधना करने के बाद जब मैंने उनको दर्शन दिया तो शंकर जी मुझे देखकर तृप्त नहीं हो पा रहे थे। तो शंकर जी ने मन में विचार किया, ये दो ही नेत्र हैं, अरे ज्यादा नेत्र होते तो और ज्यादा दर्शन का सुख मिलता। फिर मन में विचार आया, इनकी स्तुति करें, पर एक ही मुख क्यों है, और चार मुख होते तो और स्तुति का लाभ मिलता। चार बार ऐसा सोचा तो चार मुख और हो गए, एक तो था ही पहले से, चार मुख और हो गए तो पंचानन कहलाए। अब हर मुख में दो दो नेत्र हो गए, तो दो नेत्रों से दर्शन करने में तृप्ति नहीं हो रही थी तो नेत्र भी अधिक हो गए। एक मुंह से स्तुति करने में मन को संतोष नहीं हो रहा था तो मुख भी चार हो गए। और उस समय शंकर जी ने हमारी बड़ी सुंदर आराधना की, स्तुति की। और उसके बाद मेरी ही इच्छा और मेरी ही आज्ञा से इन्होंने सती जी का वरण किया। लेकिन देखो, पार्वती जी को श्री जी के तत्व के विषय में, राधा तत्व के विषय में शंकर जी ने अवगत कराया, सती जी को नहीं कराया था। क्योंकि शंकर जी को ये पता था कि सती जी देह रखेंगी नहीं और आगे ऐसी लीला होने वाली है कि मैं इनका त्याग करूंगा और सती जी देह त्याग करेंगी। तो राधा तत्व सती जी को नहीं बताया, लेकिन पार्वती जी को राधा तत्व का बोध शंकर जी ने ठाकुर जी की इच्छा से कराया है। तो सती जी जिस समय प्राण उन्होंने छोड़े हैं योगाग्नि के द्वारा, तो विरह में शंकर जी सती जी का शरीर उठा के और चारों ओर रुदन करते हुए घूमे। तो जहां जहां सती जी के अंग गिरे वहां वहां शक्ति पीठ हो गई, जहां नेत्र गिरे वहां नैना देवी हुई, जहां जहां सती जी के और भी अंग गिरे हैं
वहाँ वहाँ ऐसा लिखा है देवी पुराण में, 81 पीठ सती जी के अंगों के गिरने से 81 पीठों का निर्माण हुआ, और आखिर में सती जी के अवशिष्ट जो देह का भाग था उसे लेके शंकर जी खूब जोर जोर से रुदन करने लगे। तो शंकर जी की उस विरह अवस्था को देखकर तब वहाँ श्री ठाकुर जी प्रकट हुए और भगवान ने उनको आश्वस्त किया, समझाया कि ये विरह तो एक लीला हुई है, आप इस विरह में इस तरह से मोहित मत होइए। और जब भगवान ने आकर उनको धैर्य बंधाया है तब शंकर जी का विरह दूर हुआ है, और उसके बाद शंकर जी ने प्रिया प्रियतम की आराधना की और 60,000 युग उनको उस आराधना में निकल गए, 60,000 युग तक समाधि नहीं खुली, ऐसी ऐसी आराधना शंकर जी करते हैं। तो उस आराधना काल में ही अब शरीर का, जब इतने लंबे समय तक बैठे रहेंगे समाधि में तो कहाँ शरीर का आभास रह जाएगा, तो उस आराधना काल में ही मस्तक पर ये जटाओं का जंगल बन गया। और फिर राधा रानी ने पूछा, पर आभूषण तो कोई मणि के पहने, रत्न के पहने, मुक्ता के पहने, ये सर्पों के कौन से आभूषण होते हैं? तो श्याम सुंदर बोले, हे स्वामी जी, एक बार गरुण से पीड़ित होकर सब सर्प शंकर जी की शरण में आए, आशुतोष तो है ही। शंकर जी ने कहा, तुम जहाँ जाओगे वहीं डरते रहोगे, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम हमारे गले में ही विराज जाओ। तो किसी को बाजूबंद बना लिया, किसी को गले में कंठहार के रूप में बना लिया, और उन सभी सर्पों को शंकर जी ने आश्रय प्रदान किया कि अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद वृष रूप, जो वृषभ शंकर जी का वाहन है, वृषभ के रूप में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे स्वामी जी, मैं ही शंकर जी का वहन करता हूँ, क्योंकि मैं अपने भक्त से विशेष प्रेम करता हूँ। यहाँ तक गीता जी में भगवान ने कहा है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। भगवान का भक्तों से इतना प्रेम है कि भवसागर पार करने के लिए भक्तों को चलकर जाने की जरूरत नहीं है, ठाकुर जी कंधे पे बिठा के भवसागर अपने भक्तों को पार करा देते हैं। और शंकर जी तो वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, और शंकर जी के वहन को कोई दूसरा नहीं कर सकता है, कोई दूसरा इनके भार को वहन नहीं कर सकता है, इसलिए वृषभ के रूप में स्वयं श्री ठाकुर जी ही शंकर जी का भार वहन किया करते हैं। तो राधा रानी ने आश्चर्य हुआ, बोली, फिर ये इनको आक धतूरा ही क्यों प्रिय है? अरे दुनिया भर में इतने सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प हैं, ये आक धतूरा ही क्यों इनको अर्पित किया जाता है? तब श्री राधा रानी ने कहा, राधा रानी ने जिज्ञासा की, ठाकुर जी बोले, हे स्वामिनी जू, शंकर जी हमारे पक्के सेवक हैं, पक्के भक्त हैं। सेवक का धर्म होता है, पहली बात तो स्वामी की रुचि के अनुसार सेवा करे, दूसरी बात जो चीज स्वामी को अर्पित कर दी गई फिर उस अर्पित वस्तु का उपभोग करने का अधिकार सेवक को नहीं होता है। जिस समय शंकर जी ने त्रैमासिक व्रत के द्वारा हमारी आराधना की थी और आपकी आराधना की थी, तो उस समय संसार के जितने भी सुंदर सुगंधित पुष्प थे ये सब इन्होंने हमें चढ़ा दिए, बस आक दतूरा नहीं चढ़ाया, इसलिए जो हमें चढ़ा दिया वो अब ये कैसे भोग सकते हैं, जो नहीं चढ़ाया उसका उपभोग उसको ये ग्रहण स्वयं किया करते हैं। और विषपान क्यों करते हैं? बोले, त्रैमासिक व्रत के क्रम में संसार के जितने भी सुंदर सुंदर सुस्वादिष्ट मधुर खाद्य पदार्थ थे सब इन्होंने हमें समर्पित कर दिए, पर जहर नहीं समर्पित किया, तो जहर खुद पीते हैं, बाकी बढ़िया जो पदार्थ है वो हमको समर्पित कर देते हैं। तो इस व्रत के द्वारा शंकर जी ने बड़ी सुंदर आराधना युगल सरकारी की है। और श्री राधा रानी की जिज्ञासा पर श्री ठाकुर जी ने ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये वर्णन मिलता है, पूरा वृत्तांत श्री ठाकुर जी ने श्री जी की जिज्ञासाओं का समाधान किया है। और राधा तत्व के विषय में पार्वती जी को अवगत कराया। गर्गाचार्य जी महाराज, जिनके द्वारा भागवत भाष्य गर्ग संगीता का प्रणयन हुआ है, ये शंकर जी के ही शिष्य हैं। और गर्गाचार्य जी महाराज ने स्वयं गर्ग संगीता में कहा है कि जिस राधा तत्व का निरूपण करने में जा रहा हूँ, ये राधा तत्व मुझे शंकर जी ने ही बताया है।
राधा तत्व के विषय में जितना शंकर जी जानते हैं उतना संसार में कोई जानता नहीं। सबसे बड़े राधा तत्व के ज्ञाता शंकर जी ही हैं। गर्गाचार्य जी को भी शंकर जी के द्वारा ही राधा तत्व का बोध हुआ। राधा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, राधा नाम की क्या महिमा है, राधा रानी की उपासना का क्या प्रभाव है, ये सारा वृत्तांत शंकर जी ने गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी को बताया, जिसका गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी ने निरूपण किया। तो राधा शब्द की क्या महिमा है, रेफो ही कोटि जन्मागम कर्म भोगम शुभा शुभम। देखो राधा र आ ध आ चार चीजें हैं, इन चारों के योग से राधा शब्द बनता है। केवल र कहने मात्र से रेफो ही कोटि जन्माघम कर्म भोगम शुभा शुभम, केवल र कहने मात्र से करोड़ों जन्मों के जो मनुष्य के शुभ अशुभ कर्म है उन सभी कर्मों का बंधन सहज में क्षीण हो जाता है। केवल र अक्षर कहने मात्र से, केवल र कहने से, राधा भी नहीं, र अक्षर अगर कुछ भी कहते हुए र अक्षर का उच्चारण जिह्वा से हो गया तो शुभ अशुभ सब कर्म बंधनों से जीव सहज में मुक्त हो जाता है। और जो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र है बड़ा प्रसिद्ध, शंकर जी जिसके द्वारा श्री जी की आराधना करते हैं, वहाँ भी लिखा है, उसकी फलश्रुति में आखिर में लिखा है, इतीद मद भूतस्तवम निशम्य भानु नंदिनी करो तु संततम जनम कृपा कटाक्ष भाजनम भवेत दैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम। त्रिरूप कर्म संचित हो, प्रारब्ध हो, क्रियमाण हो, तीनों प्रकार के कर्म बंधन जो हैं वो श्री राधा रानी के नाम के उच्चारण मात्र से सभी कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। यद्यपि प्रारब्ध को मिटाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, लेकिन श्री जी का ही नाम ऐसा है, राधा नाम ही ऐसा है जो प्रारब्ध तक के भोगों को भी नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। कर्म भोगम शुभा शुभम, शुभ कर्म हो अशुभ कर्म हो वो सभी कर्म भोगों को केवल र कहने मात्र से वह कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। और आकारो गर्भवासम च मृत्युम च रोगम उत्सृजेत, र के बाद जो आकार है उस आकार का उच्चारण यदि मुख से हो गया तो जीव मात्र को जो गर्भ का कष्ट भोगना पड़ता है, चाहे किसी योनि में चले जाओ, गर्भ का कष्ट तो सब जगह है, तो आकार के उच्चारण मात्र से गर्भ के कष्टों से, और यही नहीं जितने प्रकार की व्याधियां हैं, शरीर के रोग हैं, और मृत्यु, मृत्यु का जो कष्ट है, जन्म का कष्ट, मृत्यु का कष्ट, और जीवन काल में जो आधी व्याधियों का कष्ट है, वो सब आधी व्याधियों का कष्ट आकार के उच्चारण मात्र से उसका निवारण हो जाता है, दूर हो जाता है। धकार आयुषो हानिम और आकारो भव बंधनम, र आ और उसके बाद ध, धकारो आयुषो हानिम, हर जीव की जो प्रतिदिन आयु की हानि हो रही है, कोई भी है, चाहे वो पशु योनि में है, चाहे वो मनुष्य है, हर क्षण हमारी आयु नष्ट हो रही है, हम लोग हर क्षण मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ध के उच्चारण मात्र से आयु जो हर दिन हर क्षण क्षीण हो रही है वो आयु क्षीण होना बंद हो जाती है। और आकारो भव बंधनम, और ध के बाद जो आकार है, धा में जो आकार है उस आकार के उच्चारण मात्र से भव बंधन, अभी तक तो शरीर के रोग जन्म मरण की बात हो रही थी, लेकिन जन्म जन्मांतर से जो जीव भव सागर में पड़ा है, भवाब्धि में घूम रहा है, वो भव बंधन धकार के आकार मात्र से नष्ट हो जाता है। तो दो अक्षर का जो राधा नाम है वो आयु की क्षीणता से, जन्म मरण से, व्याधियों से, और यहाँ तक कि सबसे बड़ा जो कष्ट है भवसागर का कष्ट, उस भवसागर के कष्ट से भी राधा नाम सहज में उसको निस्तार कर देता है, सहज में जीव का, जीव को पार कर देता है। और बड़ा सुंदर इसी का पद्यानुवाद श्री अली किशोरी जी महाराज महापुरुष हुए हैं, जिनका बड़ा सुंदर पद है, और प्रायः बाबा महाराज
ये पद गाते हैं। और चूंकि शंकर जी को राधा नाम बहुत प्रिय है, इसलिए जितना राधा रानी की महिमा उनके सन्मुख गाई जाए उतनी अधिक प्रियता शंकर जी की मिलती है। तो ये जो गर्ग संगीता में राधा शब्द की महिमा, राधा शब्द का जो वैशिष्ट कहा है, उसी का पद्यानुवाद अली किशोरी जी महाराज ने अपने पद में किया है। आधो नाम तारी है राधा, आधो नाम सकता।
प्रणश्यति न संशयः रोग शोक मृत्यु यमा वेपन्ते नात्र संशयः। राधा नाम का उच्चारण करने वाले को न रोग का भय रहता है न शोक ग्रस्त होता है और यहाँ तक कि राधा नाम उच्चारण करने वाला मृत्यु को भी जीत लेता है। स्वयं चक्रम चक्री शूलमादाय शूली पाशम पाशी वज्रमादाय वज्री धावन्त्यग्रे पृष्ठतो बाह्यतश्च राधा राधा वादिनो रक्षणाय। राधा नाम जो लेता है सुनता है शंकर जी उसके आगे पीछे अगल बगल सर्वत्र त्रिशूल लेकर चलते हैं उसकी रक्षा के लिए। यमराज पाश लेकर चलते हैं उसकी रक्षा के लिए। देवराज इंद्र वज्र लेकर चलते हैं। सृष्टि के सभी देवता
और यहाँ तक कि स्वयं श्री ठाकुर जी भी राधा नाम उच्चारण करने वाले की अहर्निश रक्षा और उसकी सेवा में निरंतर तत्पर रहते हैं। तो वो राधा आराधना शंकर जी ने यहाँ की, भगवती के द्वारा कराई। और दो महाव्रत, एक पुण्य व्रत और दूसरा त्रैमासिक व्रत, ये दोनों व्रत शंकर जी के द्वारा पार्वती जी को श्री जी की आराधना के लिए बताए गए। और इन दोनों व्रतों को युगल सरकार की प्रसन्नता के लिए भगवती ने किया। जिस समय पुण्य व्रत पार्वती जी ने किया है, सनकादिक स्वयं पौरोहित्य कार्य करने लगे और सनकादिक मुनि से, क्योंकि शंकर जी ने पूर्व में ही कह दिया था कि यदि आपको हमारी प्रसन्नता चाहिए और सर्वदा हमारी प्राप्ति चाहिए तो युगल सरकार को रिझा लो, श्री जी ठाकुर जी को प्रसन्न कर लो आराधना के द्वारा। तो पार्वती जी ने पुण्य व्रत किया और व्रत करने के बाद जब व्रत सविधि संपन्न हुआ तो सनकादिक मुनि पुरोहित बने थे, तो एक मर्यादा है, एक नियम है कि यज्ञकर्ता पुरोहित को दक्षिणा देता है। तो सनकादिक मुनि पुरोहित बने थे तो उनसे पूछा गया, आप दक्षिणा के रूप में क्या चाहेंगे? तो सनकादिक मुनि ने पुण्य व्रत के बाद दक्षिणा के रूप में पार्वती जी को कहा, हमें दक्षिणा के रूप में शंकर जी ही दे दो। अब तो पार्वती जी तो चिंतित हो गई कि इन्हीं की तो हर जन्म प्राप्ति के लिए हम पुण्य व्रत कर रहे थे, अब इन्हीं को दक्षिणा में दे दें तो ये यज्ञ किस काम का? तब बहुत से पार्वती जी, अब दक्षिणा न दें तो यज्ञ कैसे संपन्न हो और दक्षिणा के रूप में शंकर जी को दे नहीं सकती। तो पार्वती जी बड़ी व्यथित हुई। तब समस्त देवता वहाँ आए हैं, सनकादिक मुनि को समझाया है, अरे मुनीश्वर और कोई कुछ ले लो, दक्षिणा में जरूरी है शंकर जी चाहिए। तो सनकादिक मुनि को बहुत समझाया, क्या करेंगे शंकर जी को लेके, अवधूत घूमते हैं। बोले कोई बात नहीं, हमें अवधूत के साथ ही विचरण करेंगे, पर हमें तो दक्षिणा में यही चाहिए। अब सब देवता मनाए पर सनकादिक मुनि माने नहीं। तब आखिर में बहुत, जब पार्वती जी दुखी हुई तो स्वयं श्री ठाकुर जी वहाँ एक ब्रह्मचारी का रूप बना के आए और भगवती से कहे, देखो देवी, जो वस्तु दान में दे दी जाती है ना, वो वस्तु कई गुनी अधिक होकर मिलती है। तो अगर तुम्हें ये पार्वती जी आपसे ये मांग रहे हैं शंकर जी को, तो आप देने में संकोच मत करिए। तो फिर भी पार्वती जी को बहुत भय लगने लगा कि हमें दुगनी तिगुनी नहीं चाहिए, हमें तो हमारे जो पति देवता हैं जिस रूप में हैं वैसे ही बस मिलते रहें। तो फिर शंकर जी को बहुत शंकर जी को दान में देने को जब भगवती उद्यत नहीं हुई, तब श्री ठाकुर जी ने सनकादिक मुनि को बहुत समझाया और फिर श्री ठाकुर जी ने और अन्य समस्त देवताओं ने सनकादिक मुनि को समझाया है। और उस समय सनकादिक मुनि मान गए। श्री ठाकुर जी इतने सुंदर रूप में, ब्रह्मचारी रूप में आए थे कि बाद में प्रकट होकर भगवान ने दर्शन भी दिया और उनसे वरदान मांगने को कहा। तो पार्वती जी ने कहा, आप वरदान देना चाहते हैं तो हमें यही वरदान दे दें कि आप जैसे पुत्र की प्राप्ति हमें हो जाए। तो ठाकुर जी बोले, हमारे जैसा कोई दूसरा कैसे हो सकता है, पर आपने व्रत किया है और इसका जो इच्छा की है वो आपकी पूर्ण होगी, तो मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, पर मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ इस व्रत के प्रभाव से पुत्र के रूप में आऊँगा। तो ब्रह्मवर्त पुराण में विस्तार पूर्वक ये लिखी है ये बात कि श्री ठाकुर जी ही उस पुण्य व्रत के प्रभाव से गणेश जी के रूप में अवतरित हुए हैं। इसलिए गणेश जी सर्वपूज्य देवता हैं, क्योंकि गणेश जी के रूप में कोई और देव नहीं, बल्कि गणेश जी के रूप में श्री कृष्ण की ही पूजा होती है। श्री कृष्ण ही गणेश जी के रूप में आए हैं और सर्वपूज्यत्व की प्राप्ति उनको हुई है। और फिर बाकी गजानन कैसे बने हैं ये बड़ा सुंदर लिखा है, वहाँ शनि देव की दृष्टि पड़ी है। शनि देव भी बड़े कृष्ण भक्त थे और जब इनकी स्त्री इनसे सुख चाहती थी, जैसे कि स्त्री को पति से सुख होता ही है, सुख की इच्छा होती है,
लेकिन इनकी इच्छा सहवास की नहीं थी, तो इनकी पत्नी ने इनको श्राप दे दिया कि आप जिसकी ओर भी देखेंगे उसका मंगल होगा। तो जिस समय पार्वती जी ने गणेश जी को जन्म दिया तो सब देवता आए हैं देखने, ऐसा सुंदर पुत्र, ऐसा सुंदर पुत्र आज तक नहीं देखा। तो शनि देव भी आए पर शनि देव पुत्र की ओर नहीं देख रहे, बार बार भूमि की ओर दृष्टि जा रही। तो पार्वती जी ने कहा सब देवता हमारे पुत्र के दर्शन करने, आप क्यों नहीं देखते हैं? बोले देवी मेरी दृष्टि जो है अनिष्ट कारणी है शापवश, तो आप मेरे से ये आग्रह ना करें। फिर भी पार्वती जी नहीं मानी और जैसे ही उन्होंने दृष्टिपात किया उसी समय गणेश जी का मस्तक जो था धड़ से अलग होकर और गोलोक में चला गया। अब तो बहुत रोई पार्वती जी। उसके बाद गजराज का मस्तक लाके श्री ठाकुर जी ने जोड़ा है, इसलिए तब वे गजानन हुए और इस तरह से गणेश जी के रूप में पुण्यक व्रत के प्रभाव से स्वयं श्री ठाकुर जी ही पार्वती जी के पुत्र के रूप में आए हैं। तो ये आराधना यहाँ भगवती के द्वारा संपन्न हुई, भगवती को शंकर जी के द्वारा यहाँ राधा नाम की महिमा श्री जी की आराधना के विषय में बोध हुआ। तो इस ऐसे पुण्यमय स्थल में, पवित्र स्थल में हम लोग बैठे हैं जहाँ शंकर जी ने राधा रानी की आराधना की और भगवती के द्वारा कराई है। तो यहाँ की केदार क्षेत्र की, केदारनाथ धाम की संक्षेप में ये लीला हम लोगों ने सुनी। श्री राधे राधे। बड़ा सुंदर आपको यहाँ के स्थल महात्म का निरूपण देवी मुरलिका जी ने श्रवण कराया और ऐसी प्यारी लीला सुनाई। लेकिन भैया जरा सा मैं और जोड़ देता हूँ, शंकर जी की दृष्टि, क्या नाम, शनि देव की दृष्टि बड़ी खराब, हालांकि वो श्री कृष्ण भक्त हैं लेकिन उनकी दृष्टि भगवत रूप गणेश जी पर तो प्रभावी हो गई, उनका मस्तक अलग हो गया, लेकिन भगवान के भक्त पर प्रभावी नहीं हुई। एक बार हनुमान जी के ऊपर शंकर जी का आगमन हुआ, शनिदेव का, वही मैं कह रहा हूँ, हनुमान जी के ऊपर, सॉरी। अभी क्या है कि बहुत सारी बातें मैं कहना चाह रहा हूँ लेकिन संक्षिप्त में, तो थोड़ा बहुत मति भ्रम हो जाना स्वाभाविक है। तो आप सुनिए, शनिदेव हनुमान जी के पास आए, महाराज 7.5 वर्ष का समय आपके ऊपर निवास करने का है। बोले बड़ी खुशी की बात है, आपका स्वागत है। तो सब ये तो अधो अंग है, आप श्रेष्ठ अंग मस्तिष्क पर विराजो। बोले ठीक है महाराज। शनि देव मस्तिष्क पर विराजमान हो गए और हनुमान जी तो हमेशा भगवत प्रेम में नाचा करते हैं, इसीलिए तो हमारे बाबा नाच का बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि नृत्य एक ऐसी कला है, नृत्य गायन हो तो भगवान बहुत जल्दी रीत जाते हैं। तो हनुमान जी सोचने लगे कि ऐसा ना हो कि शनि देव मेरे नाचने में नीचे गिर जाएं और उनको चोट लग जाए। तो एक बड़ा सा पहाड़ उखाड़ के ले आए और ऊपर पहाड़ रख लिया और बीच में शनि महाराज, अब जोर जोर से तांडव नृत्य करने लगे, बड़ी जोर जोर से। अब तांडव नृत्य कर रहे हैं तो उछल रहे हैं कई कई फुट तक, अब वो उछले तो वो पहाड़ भी बड़ा ऊंचा उछलने लगा। अब जोर जोर से शंकर उनके ऊपर, शनि देव के ऊपर गिरने लगा। शनि देव बोले महाराज क्या मुझे जान से मार दोगे? तो वो सुने ही नहीं हनुमान जी तो चुप लगा गए और नाचते रहे। जब बहुत देर हो गई और बेचारे बहुत चिल्लाने लगे, तब उन्होंने कहा क्या हुआ? अरे महाराज मुझे नीचे उतारो आपसे अलग। बोले नहीं नहीं अभी तो 2-4-10 मिनट ही हुए, आप तो 7.5 वर्ष के लिए आए हो। वो छोड़े नहीं और वो कहे महाराज मुझे छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा जब छोड़ेंगे प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद भक्तों के ऊपर मैं कभी नहीं आऊंगा। तो भैया अभी भगवती गा रही थी आधो नाम तारी है श्री राधा, जिन राधा रानी का नाम भगवान शंकर जी ने लिया और उन शंकर जी को सिद्धि प्राप्त हुई, वो राधा नाम हमारे बाबा महाराज आपको 24 घंटे पान करा रहे हैं कि नहीं करा रहे? देखो अपना पेट तो दुनिया भरती है,
लेकिन जो दूसरों का पेट भरता है वो दाता है कि नहीं? हजारों लोगों का पेट भरा जा रहा है। तो अब ना तो आपका कोई पूर्वकृत पाप बचा और ना आगे होने वाला पाप बचा, अब आप कैसे हो गए? निष्पाप। ये इस स्थान में आने का महत्व है। ठीक है भैया, अब दूसरी बात और कहते हैं आपको। हम भरतपुर गए थे, आप लोगों को मालूम ही है कि आज हमारी जिला प्रशासन के साथ बैठक हुई। यद्यपि हम एक दो बार धोखा, कई बार धोखा खा चुके हैं सरकारों से, लेकिन वहां ऐसी स्थिति आ गई कि हमारे साथ बड़े बड़े वरिष्ठ लोग थे, हमारे डॉक्टर साहब, अंतर्राष्ट्रीय भागवत व्याख्याता पंडित जी महाराज, जज साहब थे, हमारे अकाउंटेंट साहब थे, और हमारे पुलिस के डीजी साहब थे, डीजीपी साहब, और हमारे बड़े उत्कृष्ट वकील साहब थे, और भैया हम जैसे गमार भी थे। और सब लोगों ने वहां ऐसा कहा कि हमें तो कल 2 बजे तक आदेश चाहिए कि पहाड़ नहीं टूटेगा। खूब हमने, लेकिन उन्होंने हमसे अनुनय विनय किया, कहा कि 3 दिन का समय हमें दे दो ताकि हम लोग कुछ कार्य कर सकें। हम ऐसे ही आपको लिख देंगे, कर देंगे तो कार्य हो नहीं पाएगा। तो 3 दिन का समय मांगा, विश्वास करना पड़ता है, और हमें आशा है कि हमारे भोले बाबा आप सबकी भावना को जरूर पूरा करेंगे। इसलिए आप प्रेम से गाओ, नाचो, खूब आनंद लो, बोलो जय श्री कृष्ण। पंडित जी महाराज कुछ कहना चाह रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप जिस भूमि में बैठे हैं ये वो पावन भूमि है जहां शकुनी के पुत्र बृकासुर ने भगवान शिव की आराधना की और उनको प्रसन्न करके मनचाहा वरदान मांग लिया। क्या वरदान मांगा था? कि हम जिसके सिर पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। तो देखो, ये बात मैंने इसलिए कही है कि आज की रात्रि में आप लोग यहां जो निवास कर रहे हैं, आप जो मनोकामना करेंगे वो शिवजी महाराज पूरी करेंगे। दूसरी बात, शिवजी जैसे अभी बताया था मुरलिका जी ने, राधा नाम से बहुत प्रसन्न होते हैं। कुछ भक्त लोग ऐसे हैं जिनको कृपा कटाक्ष याद है, वो 100 बार अगर कृपा कटाक्ष का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से उनको ब्रज की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो मेरा आप लोगों से यह कहना है कि इस पावन भूमि का पूरा पूरा लाभ उठाने के दृष्टि से आप जितना हो सके रात्रि में जागरण करें और उनकी उपासना करें। तीसरी बात, बहुत लोग दर्शन कराए हैं लेकिन रात्रि में दर्शन का एक नया चमत्कार बता रहे हैं जो हमने यहां रह करके अनुभव किया, क्योंकि यहां पर 4 बार हमारी भागवत सप्ताह हो चुकी है और लोगों ने प्रभात फेरी शुरू की, भगवान नाम का प्रचार हुआ, अब भी चल रहा है। तो मेरा कहने का आशय यह था कि इस समय रात्रि में शिवजी के दर्शन अलग होते हैं, दिन में आपको शिवलिंग के जो दर्शन हुए उसी शिवलिंग के अंदर शिवजी के मुखारविंद के दर्शन होते हैं। एक दीपक जला दीजिए और इधर जटाएं भी आपको दिखाई देंगी, सर्पों की माला भी दिखाई देगी, चंद्रमा भी दिखाई देगा, नेत्री दिखाई देंगे, नासिका भी दिखाई देगी, मुख भी दिखाई देगा, मुख का दर्शन इस तरह से आपको होगा। तो जो लोग समर्थ हैं जा सकते हैं, इस पुण्य का लाभ अवश्य प्राप्त करें। जय श्री राधे।
सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी मगर राधा नाम।